सो और गाइस क्या हाल है, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और GTA 5 के एक और गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले, क्योंकि गाइस आज हम लोग जाने वाले शिनचैन को मिलवाने सायरन हेड से। और गाइस मेरे को पता नहीं यार शिनचैन का क्या रिएक्शन निकलेगा इस बात में। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर का नाम लेना चाहूंगा। तो गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय चॉप। चॉप नाम का कुत्ता घर में है मूतता। खैर कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो गाइस अब मैं घर पे लेके चलता हूँ इसे, मजाक वजाक सब साइड में। और गाइस सबसे पहले तो गाइस अब मैं काम करने वाला हूँ, शिनचैन को उठाने वाला हूँ। भाई मेरी बड़ी नींद खराब करी है उसने आज, उसकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ मैं। आजा भाई चॉप, तू भी आजा जल्दी से। चलो अब जल्दी जाओ अपने घर में वापस। और शिनचैन कहाँ पर है? और शिनचैन जल्दी उठ चल। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया फिर से आ गए सुबह सुबह। अरे क्या सुबह सुबह, तेरे को मैंने बोला था ना कि एक खतरनाक जगह पर लेके जाऊंगा मैं तुझे आज। अरे क्या खतरनाक जगह फ्रैंकलिन भैया, वैसे ही आप इतने ज्यादा डरते हो हर जगह जाने से। वैसे फ्रैंकलिन भैया मुझे बताओ तो सही, हम जाने कहाँ वाले हैं? आज मैं तुझे एक ऐसी चीज से मिलवाने ले जा रहा हूँ ना, मतलब जिस चीज को देखने के बाद शायद तू भी डर जाए। अरे ऐसी क्या चीज है? वो तो तेरे को जाकर के पता चलेगा, तेरे सिलेंडर मैन और तेरे ये पेनीवाइज से भी ज्यादा डरावनी चीज है वो। अरे ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मैं डर जाऊँ। हाँ हाँ वो तो अभी पता चलेगा, चल तू मेरे साथ। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इसी तरीके से पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो आपको रोज देखने को मिले। आजा जल्दी आजा जल्दी आजा पीछे पीछे। अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो फिर से भूल गए। क्या भूल गया? अरे फिर से चड्डी बनियान में ही घूमने जाओगे क्या? अरे यार सही याद दिलाया यार तूने, चल इस मामले में तो तू ठीक है, कम से कम कपड़े तो चेंज करवा देता मेरे। जल्दी से गाइस कुछ ऐसा पहनूंगा जो भाई ठंड से प्रोटेक्ट करे मुझे, ये ठीक है गाइस थोड़े से मतलब ब्लैक से कपड़े। शिनचैन तेरे को ठंड तो लगती नहीं है ना? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं तो यही ड्रेस में रहता हूँ, चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे बर्फ क्यों ना पड़ रही हो। अच्छा ऐसी बात है क्या, चल अच्छी बात है ये तो। आजा जल्दी ऊपर चल मेरे साथ, तेरे को पता है आज हम दूसरी सिटी में जाने वाले हैं। कौन सी सिटी? हम कहीं टोक्यो तो नहीं जाने वाले या फिर हवाई? अरे नहीं हम नॉर्थ यंगटन जाने वाले। अरे अब ये नॉर्थ यंगटन कहाँ पर पड़ता है? अरे इस ये जो हमारा लॉस सैंटोस है ना, जस्ट इसके पहले ही पड़ता है वो, मतलब वहां से तेरे माइकल अंकल और ट्रेवर अंकल भाग के आए थे एक बार यहाँ पर, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बैंक की रॉबरी करी थी। ओ ऐसी बात है क्या, फिर तो वहां जाना बनता है। हाँ चल अब चलता हूँ तेरे को लेके। वैसे वहां दीदियां तो होंगी ना? नहीं वहां दीदियां अभी तेरे को कोई नहीं मिलने वाला है, मुश्किल से तेरे को तीन चार लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां एक बहुत खतरनाक सीन चल रहा है आजकल। क्या सीन चल रहा है? तूने सायरन हेड के बारे में तो नहीं सुना ना? अब ये सायरन हेड क्या होता है? सायरन हेड एक अजीब सा राक्षस सा होता है, जिसके मतलब उसका मुंह नहीं होता, उसके बल्कि सायरन लगे होते हैं दो दो मुंह के जगह, और वो पूरे तरीके से बेकार, मतलब उसकी स्किन भी पूरी तरीके से खराब हो रखी होती है और पूरे तरीके से जला हुआ सा लग रहा होता है वो देखने में। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, अब आप मेरे को कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लूंगा क्या? इतना ही बेवकूफ समझते हो क्या मुझको? अरे नहीं यार मैं बेवकूफ थोड़ी समझूंगा तेरे को, मैं तेरे को रियल बात बता रहा हूँ। जैसे सिलेंडरमैन और पेनीवाइज हो सकता है, वैसे सायरन हेड नहीं हो सकता क्या? वैसे आपकी बात तो सही है। क्या फ्रैंकलिन भैया आप तो मेरे साथ रह रह करके बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। तेरे साथ रह रह करके नहीं हुआ मैं समझदार, ठीक है? अरे रहने दो, कभी कभार तारीफ कर देनी चाहिए दूसरों की, हमेशा खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। बेटा तेरे को तो बाद में बताऊंगा रुक जा मैं। अब देख हम लॉस सैंटोस से बाहर जाने वाले, और उस जगह पर जाने के बाद ना तेरे को सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा क्या खास है उस जगह में? तेरे को बताया था यार वहाँ बर्फ बर्फ पड़ती है और बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। तू जाएगा ना तब तेरे को पता चलेगा। ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ चल मैं लेके चल रहा हूँ ना तुझे। वैसे फ्रैंकलिन भैया आप लॉस सैंटोस में कितने सालों से रह रहे हो? मैं पैदा यहाँ हुआ था यार लॉस सैंटोस में, और मतलब बचपन से यहाँ रहा हूँ, मतलब पूरा मतलब लॉस सैंटोस तू मेरे से पूछेगा ना मेरे को हर रास्ते पता है। फिर भी आपको ड्राइविंग नहीं आती, क्या ही करा आपने लॉस सैंटोस में रह के। आखिर आपसे अच्छी गाड़ी तो मैं ही चला लेता हूँ, है ना दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना। हाँ हाँ तू मेरी बेइज्जती मार ले, और मार ले बेइज्जती, अभी कम थोड़ी पड़ रही होगी, और मार ले। अरे रहने दो फ्रैंकलिन भैया आप फालतू में रो जाओगी। मैं रोऊंगा बताओ अभी तेरे को। A few moments later. हाँ, अरे वाह फ्रैंकलिन भैया ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है सच में। मैं बोल ही रहा था एक बार तू यहाँ आएगा तो तेरे को मजे आ जाएंगे सच में पूरी जिंदगी के। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पर तो कोई दीदी भी नहीं है और ना ही कोई भैया दिख रहे हैं। मैंने बताया तो था तेरे को कि यहाँ मुश्किल से तेरे को कोई दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक से जानवर के होने की अफवाह है, तेरे को बताया तो था मैंने सायरन हेड के बारे में। अरे इतना ही ज्यादा खतरनाक है क्या वो? हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे रुक मेरे को कुछ लोग दिखे यहाँ पर, इनसे पूछता हूँ मैं सायरन हेड के बारे में। हेलो भाई साहब जी आपको किसी सायरन हेड के बारे में पता है? अरे यार तुम भी सायरन हेड को ढूंढते हैं यहाँ पर आ गए, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे शहर के सारे लोग यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं शहर को अब, क्योंकि एक पागल शिकारी यहाँ पर घूमता रहता है जो ये फालतू की अफवाह फैला रहा है। कई बार तो मन करता है कि उसको पकड़ के जान से मार दें हम, लेकिन हम कर ही नहीं पाते कुछ। अगर तुम्हें उसको ढूंढना है तो तुम उसी से जाके बात करो, हमारे पास मत आना अब। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो पागल शिकारी रहता कहाँ पर है? अरे वो पागल शिकारी तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, तुम ये जो मेरा लेफ्ट है लेफ्ट साइड पे जाओ
और वहां से फिर लेफ्ट ले लेना पहली कट से, तो मैं वो पागल शिकारी वहीं मिल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है का, चलो ठीक है मैं जाता हूँ उसी के पास। गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता और निकलता हूँ जल्दी से। आजा आजा सिंचन, आजा जल्दी पीछे आजा। आया फ्रेंकलिन भैया। पागल शिकारी के बारे में गाइस उसने मुझे बोला है कि लेफ्ट साइड जाना मुझे, और लेफ्ट से पहला कट। ये तो कट नहीं है गाइस, ये तो ऐसी है प्लॉट सा खाली पड़ा है। ये भी कट नहीं है, ये भी ऐसी प्लॉट सा खाली पड़ा है। ये देखो गाइस यहाँ पर एक कट है, एक सेकंड में देखो यहाँ पर जाके, एक मिनट। अरे वाह फ्रेंकलिन भैया, वहाँ तो कोई और भी खड़ा है। हाँ मेरे को भी दिख रहा है यार, एक सेकंड। यही तो नहीं है वो पागल शिकारी गाइस, मुझे लग रहा है यही है वो पागल शिकारी। अरे भाई साहब जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप ही वो पागल शिकारी हैं क्या? अबे तू पागल, तेरा खानदान पागल, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ। अरे अरे अरे, गुस्सा नहीं। अरे भाई तुम्हें सब पागल शिकारी करके बुलाते हैं, इसलिए अब मैंने बोल दिया तो कोई गलत बात थोड़ी कर दी यार। इन सब का तो कुछ नहीं है, इन सब को मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होता है। इनको मैंने 10,000 बार ही बोला था कि यहाँ पर सायरन हेड रहता है, सायरन हेड रहता है। हालांकि कई लोगों ने मेरी बात का विश्वास करा, पर अभी भी कई लोग हैं जिनको मौत से डर नहीं लगता और यहीं पर वो जी रहे हैं तब से। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आपको कुछ आइडिया है क्या सायरन हेड कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर नहीं? तुम यहाँ की ढूंढते हो आगे सायरन हेड को? सायरन हेड तो लॉस सैंटोस की साइड चला गया। पागल हो तुम लोग यहाँ पर जो आ गए। बहस क्या इस बंदे ने गाइस, अगर मेरे को एक और बारी कुछ बोला ना, मैं इसको जान से मार दूंगा भाई शिकारी को, फिर चाहे कितना भी बड़ा पागल हो, कितना भी बड़ा शिकारी हो। देखो फ्रैंकलिन भैया, ये तो आपकी सही बेइज्जती पार रहा है। अरे शिनचैन बेइज्जती नहीं बोलते इसे, ये केवल अभी बातचीत चल रही है, तो तू थोड़ा चुप रह, फालतू में मेरे को गुस्सा मत दिला भी। एक काम करो, तुम लॉस सैंटोस में माउंट चिलियाड के पास जाओ, तुम्हें वहीं पर वो सायरन हेड मिल जाएगा। चलो ठीक है, इतनी तो मदद करी इसने। चलो ठीक है शिकारी जी, हम जा रहे हैं फिर लॉस सैंटोस की तरफ। चल शिनचैन जल्दी चल तू भी, अभी हम एक काम करने वाले गाइस, सायरन हेड को ढूंढने आए हैं, और गाइस सायरन हेड को ढूंढे बिना तो मैं जाने नहीं वाला। तो गाइस अभी हम जाएंगे अपने लॉस सैंटोस में वापस, लेकिन हम सायरन हेड के पास जाएंगे गाइस, हम ढूंढने जाएंगे सायरन हेड को, कहां पर मिलेगा सायरन हेड। A few moments later. तो गाइस देखो आप जैसा कि देख ही सकते हो यार, हम माउंट चिलियाड के बहुत ज्यादा पास आ गए हैं। हां फ्रैंकलिन भैया, लेकिन मुझे तो यहां पर कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। तो गाइस जैसा कि आप भाई बोल सकते हो गाइस, यहां पर मेरे को अभी तक तो कोई सायरन हेड जैसी कोई चीज दिखी नहीं है। और गाइस मैं सोच रहा हूं थोड़ा आगे से राउंड लेके आता हूं, तब शायद हमें थोड़ा कुछ दिख जाए। खांसते हम नहीं पा देते वक्त हम है नाचते। यार क्या गाने गाते यार शिनचैन, तू लिरिक्स की ऐसी तैसी कितने खतरनाक तरीके से नहीं करता वैसे। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, ये तो अपना अपना टैलेंट होता है। ये बहुत खतरनाक टैलेंट है, किसी दिन मेरे को पिटवाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग देता है ये, पता है। ऐसे आपको पीटेगा कौन वैसे? मेरे को लगता है कि किसी दिन मेरे को लोग पकड़ के पीट देंगे तेरी वजह से, और तो कुछ सीन नहीं है। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गाइस मैं थोड़ा नीचे उतर गया गाइस, मुझे अभी तक तो यहाँ पर कुछ दिखा नहीं है, थोड़ा मेरे को आगे की ओर जाना पड़ेगा। गाइस देखो मैं यहाँ पर थोड़ा आगे आ गया हूँ भाई, एक सेकंड, वो क्या चीज खड़ी है यार सामने? गाइस देखो देखने में इंसान जैसा नहीं लग रहा थोड़ा। गाइस मैं पास जाता हूँ, एक सेकंड रुको भाई, कुछ और स्कैम ना हो जाए। ओ भाई साहब गाइस, ये सच में सायरन हेड ही है। अरे फ्रैंकलिन भाई, ये अजीब सा क्या है, इसके सर पे पुंगी सी क्यों लगी हुई है? अरे वो पुंकी नहीं है, वो हॉर्न लगे हैं इसके सर पे, मतलब सायरन लगे हुए इसके सर पे भाई, खतरनाक सीन। और गाइस मैंने एक बात सुनी है कि सायरन हेड देख नहीं सकते, केवल वो हमारी आवाज सुन के रिएक्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं इसलिए देखता हूँ गाइस कि मैं पास जाता हूँ तो ये मेरे को देख पाता है कि नहीं देख पाता। भाई मेरे को लग नहीं रहा गाइस कि ये मेरे को देख पा रहा है, क्योंकि गाइस इसका फेस आप देखोगे तो इधर उधर है, मेरी तरफ नहीं है। गाइस देखो मैं इतनी ज्यादा पास आके खड़ा हो रखा हूं गाइस इसके, और शिनचैन भी मेरे साइड में खड़ा है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, इसके सर पे जो हॉर्न लगे हैं, क्या मैं इस पे गाने भी बजा सकता हूँ? और शिनचैन इतनी तेज क्यों बोल रहा है? मेरे को लग रहा है गाइस उसने मेरी आवाज सुन ली होगी। भाई मुझे ऐसी फीलिंग क्यों दे रहा है जैसे इसने मुझे देख लिया। गाइस देख लिया इसने मुझे, देख लिया भाई, लेकिन ये मार नहीं रहा गाइस मुझे। चुपके से निकल जाता हूँ। भैंस के आप भागो। और गाइस ये पीछे पीछे भी आ रहा है भाई, क्या सीन चल रहा है ये? अरे तुम मुझसे डर क्यों रहे हो यार? एक मिनट, तू बोल कैसे सकता है? और तुम, तेरे को मैं दिख भी रहा हूं क्या? तो तुमने मुझे अंधा समझ रखा है क्या? नहीं खैर समझा तो नहीं था, मेरे को लग रहा था कि तुम अंधे होते होगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें तो दिखती नहीं ना। हमारे पास आंखें नहीं है, लेकिन हम बंदे को देख लेते हैं फिर भी। वाह यार ये तो तगड़िया सीन है। अगर तुमने हमें देख लिया था पहले ही, तो तुमने हमें मारा क्यों नहीं था? इसलिए नहीं मारा था क्योंकि सिलेंडर मैन और पेनीवाइज ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता रखा था। क्या सिलेंडर मैन और पेनीवाइज से भी तुम्हारी जान पहचान है? हमारी भूतों की अलग कम्युनिटी चलती है, जहाँ पर हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। अरे व्हाट्सएप पे बात करते हो तुम? हाँ हाँ व्हाट्सएप पे। वाह यार ये तो इतने मॉडर्न भूत होंगे, मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, ये लोग भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। अरे तो सायरन हेड अंकल, क्या आप भी इंस्टाग्राम पे होंगे? अरे इंस्टाग्राम पे थोड़ी होंगे यार, व्हाट्सएप पे। हाँ 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 मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हो? नाम क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पे? siren@11 कुछ भी। अरे तुम अपनी आईडी बताओ ना, मैं तुम्हें भी फॉलो करता हूँ। भाई मेरे को ऐसे लोगों से फॉलो तो नहीं करवाना खुद को। अरे दे दो फ्रैंकलिन भैया, काम आएंगे बहुत। वैसे बात भी सही है।
मेरी आइडिया थक बॉय मैक्स, तुम अगर सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। और गाइस अगर आपको भी मुझे फॉलो करना है तो यार इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है गाइस डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से जाओ फॉलो कर लो, चाहे इंस्टाग्राम पे करो चाहे डिस्कॉर्ड पे करो, मतलब हर जगह मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ट्विटर पे भी हूँ यार मैं। अरे वाह, तेरे को मैं भी फॉलो करूंगा। चल फ्रैंकलिन भैया, आपकी तो सही जान पहचान हो गई। अरे तुम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ चल, तेरे को अपने सबसे बड़े लीडर से मिलवाता हूँ। कौन सबसे बड़ा लीडर है भाई, मेरे को तो लगता था एक ही सारे हेड होता है बस। अरे नहीं रे, ये तेरी गलत सोच है, मेरे जैसे कई सारे हैं लेकिन मेरे लीडर जैसा केवल एक है। ऑब्वियस सी बात है यार, लीडर जैसा तो एक ही होता है। बिल्कुल, मेरे प्रिंसिपल सर की तरह, वो भी मेरे लीडर हैं। तू तो अपना मुंह बंद ही रख यार। चल चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर तुम बोल रहे हो। तो चलना कहाँ पर है हमें? यहीं पर चलो, सीधा सीधा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। गाइस यार मेरे को आगे की ओर जाने के लिए बोल रहा है भाई, मेरे को अभी तक तो कुछ पता नहीं। और गाइस आप देखोगे यार, मतलब लोग साइरन हट से डर के भागते हैं, यहाँ पर उल्टा ही सीन चल रहा है यार। शिनचैन की वजह से भाई अलग ही चौड़ हो गया गाइस हमारी भूतों में इस वक्त। मतलब भूत भी हमें कुछ नहीं कहते भाई, उल्टा हमसे मिलने आते हैं। एक सेकंड यार, ये क्या चीज है अजीब सी गाइस, ये सामने की ओर भाई, ये कहीं उल्टा सीन तो नहीं हो जाएगा ना कुछ? थोड़ा पास जाता हूँ मैं भाई साहब। यार एक सेकंड गाइस, ये क्या सीन है भाई? एक मिनट रुको भाई, एक सेकंड गाइस। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हॉर्न है, ये तो पूरे लॉस सैंटोस में गाना बजा देगा। पर गाना बजाने के लिए यूज थोड़ी करते शिनचैन। हाँ भैया, ये भी बात है, यही मेरे लीडर हैं, इनसे बात करो, ये तुमसे बात करना चाहते थे बहुत पहले से। हेलो बेटा फ्रैंकलिन, आपको मेरा नाम कैसे पता? खैर अब तो मेरे को भी आदत हो गई ये बात पूछने की बार बार। वैसे मेरे को पता आपको सिलेंडर मैन, पेनीवाइज इन सब ने बताया होगा, और आपको इस लड़के का भी नाम पता होगा, ये शिनचैन है 5 साल का, और इसको शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे सिलेंडर मैन और पेनीवाइज ने ही तुम्हारे बारे में बताया था, जैसा कि तुम अभी बता ही चुके हो हमें। और मुझे भी शिनचैन से मिलना था, तो आज मैं उससे मिल गया हूँ। आज मैं तुमसे मिल लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारे पास एक मैसेज भेज दूंगा। अरे यार इन लोगों का भी काम करना पड़ेगा क्या मुझे अब? वैसे अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अरे कर दूंगा यार मैं तुम्हारा काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रैंकलिन भैया, आप कितने ज्यादा डरपोक हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ यार शिनचैन, कभी कभार सिचुएशन को समझा कर तभी जोक मारा कर। चलो ठीक है साइरन हेड जी, मैंने आपसे भी आज बात कर ली, आज मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोगों को क्यों मारते हो? मैं उन लोगों को मारता हूँ जो बिना बात के नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं, मतलब कि बम पटाखे जलाना जिससे शोर होता है, गाड़ियों के हॉर्न मारना बिन बात के जिससे शोर होता है, मैं उन सभी लोगों को जान से मार देता हूँ। ऐसी बात है क्या? अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आप भी तो गाड़ी के हॉर्न मारते हो बिना बात के। अरे बिना बात के नहीं मारता यार, तब ट्रैफिक होता है। क्या तुम भी ऐसा करते हो क्या फ्रैंकलिन? अरे नहीं यार साइरन हेड जी, ये बच्चा है ना बहुत ज्यादा मजाक किया, कोई बात नहीं आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अभी हम जल्दी से घर चलते हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अब मैं जल्दी से घर की ओर चलता हूँ। भाई जल्दी से भागो। अरे भैया मेरे लिए तो रुको। गाइस यार क्या ही सीन चल रहा है भाई, यार मैं तो एकदम ही फंस गया यार इन भूतों के जंगल के अंदर फंस रखा हूँ गाइस मैं गंदे वाला। कभी ये मेरे से अपना काम करवा रहा होता है, कभी वो मेरे से अपना काम करवा रहा होता है। वैसे फ्रैंकलिन भैया आप चाहे तो साइरन हेड से उनका हॉर्न मांग सकते हो, मैंने इनसे बात कर ली है। अरे मैं हॉर्न लेके करूंगा क्या? पर अरे अपनी गाड़ी में लगा लेना, मेरे पास बहुत सारे हॉर्न है, मेरे को किसी और के हॉर्न की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो आपके भले की ही बात कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे गाइस, अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए भाई, ऐसी तैसी होगी यार सच में। तो गाइस अब हम वापस से आ चुके हैं अपने लॉस सैंटोस में भाई, अब हम घर पे आ गए गाइस फाइनली। और भाई अलग ही सीन चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा गाइस, ये चल ही क्या रहा है? मतलब यार साइरन हेड को से हम मिल के आए गाइस, और भाई साइरन हेड ने हमें कुछ किया भी नहीं भाई, सबसे तगड़ा सीन तो ये है। वैसे फ्रैंकलिन भैया अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो साइरन हेड को देखने के बाद तो मुझे भी डर लगा, आपको भी डर लगा था ना? यार साइरन हेड से मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि यार सर पे हॉर्न पहन के घूमता वो भाई, एकदम फनी लगता है मुझे तो। उसको कोई जाके बताओ यार कि मतलब ऐसे सर पे हॉर्न पहन के घूमने से डरावने नहीं बल्कि बेवकूफ लगते हैं यार सच में। कह रहे मेरे बारे में कुछ बोल रहा था क्या तू? अरे नहीं यार तुम्हारे बारे में थोड़ी कुछ बोल रहा है साइरन हेड, यार तुम यहाँ पर क्यों आ गए फिर से? अरे मेरे को तो बड़े वाले साइरन हेड ने भेजा था ये पूछने के लिए कि वो घर तो सही सलामत पहुँच गए ना। उनको जाके बोल दो कि मैं पहुँच गया और जल्दी से जाओ यहाँ से, आने दो, जब देखो तब आ जाते, कभी पैनी बजा जाता कभी तुम आ जाते हो, हानि तो कल को सिलेंडर मैन भी आ जाएगा। तुमने हमारे बारे में भी कुछ कहा क्या? अरे अब तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए यार, क्या सीन चल रहा है गाइस ये? यार भाई हद ही कर रखी है शिनचैन, अब जल्दी से तेरे को जो बोलना जल्दी से बोल दे यार। गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना, और गाइस आज मैं एम करता हूँ 1000 लाइक्स का, मुझे पता है कि आप लोग उसे भी पूरा करवा दोगे, तो प्लीज जल्दी करवा देना। और हाँ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस रोज आपके लिए लाता रहूं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर या डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो गाइस फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ हमेशा एक बात याद रखना कि साइरन हेड से भी बिल्कुल मत डरना। हाँ यार तेरे को देख के तो कोई बच्चा डरेगा नहीं, मैं ही बता रहा हूँ ये बात। थैंक यू फ्रैंकलिन भैया, तारीफ के लिए शुक्रिया। हाँ चल ठीक है भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है गाइस, जल्दी से लोग जाएं यहाँ से। अरे तुम बोल रहे हो क्या कुछ? अरे यार कुछ नहीं बोल रहा यार मैं, तुम लोग क्यों अपने ऊपर ले लेते हो हर बात को।